नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। आज आपको हम एक ऐसे दोस्त की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने दोस्त के मौत के बाद अपनी जिंदगी ही उसके नाम लिख दी। अक्सर ऐसी कहानी आपको फिल्मी दुनिया में सुनने को मिलती होगी, लेकिन ये कहानी रील के बाहर रियल दुनिया की है, जहां एक दोस्त ने दोस्त के मौत के बाद ऐसी तस्वीर पेश की जिसकी चर्चा पूरे बनारस में हो रही है और लोग इस दोस्त को हेलमेट मैन के नाम से पुकार रहे हैं। दरअसल बिहार के कैमूर निवासी राघवेंद्र वाराणसी के लंका चौराहे पर लोगों को फ्री में हेलमेट पहना रहे हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति एक बार जरूर उनसे मुखातिब होते हैं और जब इनकी दरियादिली देखता है तो उनकी तारीफ करने को मजबूर हो जाता है। राघवेंद्र वाराणसी में जरूरतमंदों को हेलमेट दे रहे हैं, लेकिन हर किसी को नहीं, इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसे पूरा करने वालों को हेलमेट फ्री मिलेगा। राघवेंद्र उन लोगों को हेलमेट फ्री में दे रहे हैं जिनका हाल ही में चालान कटा हो, जिसे जमा करने वाली रसीद दिखाने के बाद हेलमेट मिलता है, या फिर अगर चालान नहीं कटा तो कोई हेलमेट लेने चला आए तो राघवेंद्र उसे खाली हाथ जाने नहीं देते। राघवेंद्र जरूरतमंद व्यक्ति का 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं। राघवेंद्र का कहना है कि वो अब तक 42,000 लोगों को हेलमेट दे चुके हैं। राघवेंद्र हर शहर में जाकर 10 दिन बिताते हैं और उस 10 दिन में वो जरूरतमंदों को हेलमेट देते हैं। राघवेंद्र ने बताया, उन्होंने ये फैसला 2014 में अपने दोस्त के मौत के बाद लिया, जिसका एक दुर्घटना में मौत हो गई। इनका कहना है कि यदि इनका दोस्त हेलमेट पहनने होता तो शायद उसकी जान बच जाती। तब से मैं हर शहर में अपने खर्च से हेलमेट लगाने वालों को हेलमेट देता हूं। वाराणसी पहुंचे इस हेलमेट मैन से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे ने बात की, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपका जी, हमारा नाम हिमांशु लखोटिया है। अभी आपको बीमा मिला, अभी आपको जो है कि बीमा और हेलमेट सब मिला, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये सरकार की एक अच्छी योजना है। आज 1,000 का चालान कट जा रहा है हेलमेट के वजह से, जो है कि हम लोग बेफालतू का दे ही रहे हैं। और आप तो देख ही रहे हैं, आज के ज़माने में दुर्घटना कितनी आम बात है, और अगर हेलमेट लगाने से किसी को लाभ होता है और उसे लाभ में 5 लाख रुपये का बीमा भी मिलता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 1,000 रुपया दे करके 5 लाख का बीमा भी ले लो, हेलमेट भी ले लो और चालान से बचो। क्योंकि चालान है वो आपको भरना ही होगा, आप हंस के भरिए या रो के भरिए, वो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार की नीति है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सड़क है, आपसे दुर्घटना यहाँ नहीं होंगे, ये मोहल्ला गली मोहल्ले का एरिया है, मगर फिर भी घटना और दुर्घटना बता के नहीं होती है, तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी। मेरा नाम है अमित सिंह राणा। मिस्टर राणा जी, आप इस मुहिम में कैसे जुड़े आप? मैं इनके सर के साथ में 2-3 साल से लगा हुआ हूँ सर, और मैं इनके लिए कैसे आप इनसे मिले, कैसे मुहिम में जुड़े हैं? ये हम लोगों को एक कॉलेज में थे तो हम लोग दोनों लोग साथ ही में रहते थे। इनके साथ आप कितने समय तक जो है इस वर्ग में लगे हुए हैं आप? 3 साल से सर। ये क्या लगता है, कैसा वर्ग है ये? बहुत अच्छा वर्ग है चल रहा, जो दुर्घटना जो लोगों की जो जान बचा रहे, 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, और जिनका चालान हो गया उनको भी उन्होंने बीमा भी और चालान का। किस शहर से रहने वाले हैं आप? मैं कानपुर से रहने वाला हूं सर। काफ़ी लंबा समय है, काफ़ी ज़्यादा लंबा चलना है, कैसे आप चलाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? मैं इनके साथ में लगा रहूंगा, अब कामयाबी आप लोगों के माध्यम से मिलेगी। हेलमेट और बीमा पाकर पब्लिक क्या कहती है? ये बीमा और पा के पब्लिक यही कहती है, बहुत आप लोग बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, जो जो सरकार को करना काम चाहिए तो आप लोग कर रहे हैं। नाम बताया आप? मेरा नाम हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार हुआ। राघवेंद्र कुमार जी, हेलमेट के नाम से आप क्यों जाना जाता है, क्या वजह है? मैं भारत के तमाम सड़कों पे सभी राज्यों में जो व्यक्ति बगैर हेलमेट का चला करता है, मैं उन्हें हेलमेट दिया करता हूँ, इसलिए लोग मुझे हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं। ये पहनाव कैसे मिले हेलमेट पहनने के लिए? ये 2014 में मेरे फ्रेंड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो हेलमेट नहीं पहना था, और तब से मैंने उस दिन से फ्रेंड लिया, क्योंकि वो जो मेरा फ्रेंड था, माँ बाप का इकलौता लड़का था। और भारत में मैं ये देखता हूँ कि जो प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों की जो मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोग हैं जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं जो मरते हैं, जो ये 2020 है, इस साल भी मौत होना तय है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैं लोगों को जागरूकता के लिए, जो माँ बाप के इकलौता चिराग में मेरा फ्रेंड भी था, तो ताकि दूसरे के घर के चिराग को बचाने के लिए मैं सड़कों पर प्रतिदिन हेलमेट दिया करता हूँ।
सरकार एक तरफ वैश्विक महामारी में जो है खुलने का कोरोना में खुलने का काम चलान तो चलान कर रही है ले रही है, उधर दूसरी तरफ आप जो है देने का काम कर रहे हैं, इसमें आपको परेशानी काफ़ी आई होगी। परेशानी तो परेशानी सर बहुत तो चीज़ें आती है कहीं भी जाने के लिए परमिशन। अभी जैसे मैं बनारस की सड़कों पर जो देख रहे हैं, मैं पिछले एक महीने से लगातार मैं उन लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ वाराणसी ज़िले में जिनका चलान हो गया है और जिन्होंने राजस्व में पेट कर दिया हुआ था, वो जो लोग आ रहे हैं अभी तक लगभग पिछले एक महीने में 500 से ऊपर लोग आए, उनको मैं हेलमेट भी दिया और 5 लाख की दुर्घटना बीमा। आप जो सरकार की जो बात प्रशासन की कर रहे हैं कोरोना काल में पुलिस आप जैसा देखते हो गए सड़कों पे, उसमें आम जनता को जो भोजन खिलाया करती थी जो भूखे लोग को, लेकिन वही चीज़ जैसे ही ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई तो सड़कों पर तमाम किसी को हेलमेट के लिए बहुत सारे चलान हो रहे हैं, जो कि वो पब्लिक कसम खा लिए कि हमें चलान भरना भी नहीं है, किसी के एक चलान नहीं किसी के 10-10 चलान भी हो चुके हैं और उनके पास पैसे भी नहीं हैं। तो मैं जो भारत में ये देख रहा हूँ कि जो भारत विश्व के पहले स्थान पर बना हुआ है, तो अगर सरकार जिस तरह से प्रशासन भी अगर चाहे तो जो हेलमेट चलान हुआ है तो उन लोगों को एक हेलमेट भी दे सकती है, जैसे कि मैं हेलमेट दिया करता हूँ, अगर मुझे भी अपने योगदान दे तो बनारस के अंदर जो प्रतिवर्ष जो सड़क दुर्घटना में जो मौत हो रही है, जो आंकड़े प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बावजूद भी अगर इस तरीके के लोगों को अगर हेलमेट देने का प्रशासन कार्य करे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना में कमी भी आएगी। देश के किन किन राज्यों में अभी तक आप भ्रमण कर चुके हैं इस मुहिम को लेकर? भारत के लगभग अभी तक जो पिछले 6 साल से 22 राज्यों में कार्य कर चुका हूँ और अभी तक मैं 42,000 हेलमेट भी बांट चुका हूँ। आर्थिक तौर पर जो है देखा जाए तो काफ़ी परेशानी आपको आती होगी मुहिम में, कैसे आप करते हैं इस काम को? सर सबसे बड़ी बात है कि आप समाज में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो कम से कम ये एक्सपेक्टेशन रहती है कहीं नहीं सरकार भी या राज्य सरकार हो के ना ध्यान दे, लेकिन मुझे कहीं तक आज तक कोई सहायता, भले ही भारत के जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं जो पीछे ट्विटर पर भले ट्वीट के माध्यम से सराहना करते रहते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी ऑफिस या कहीं भी जाके कहता भी हूँ तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। और ये जो मेरा मिशन है, मुझे मेरे अंदर इस तरह से जो मैंने संकल्प लिया हुआ है सड़क दुर्घटना मुक्त अभियान के तहत, मैंने दिल्ली के अंदर जो घर भी खरीदा था उसे भी इस कार्य के लिए मुझे सेल करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत आर्थिक स्थिति से पीछे चला गया था कर्ज की वजह से, फिर भी आज कर्ज पे होने के बावजूद भी सड़कों पे मैं दूसरे के घर का चिराग न बुझे मैं हेलमेट देता रहता हूँ। वर्तमान में कर्ज में आप हैं और अभी लंबा मुहिम है, इसको लंबा चलाना है, ऐसा ही रहा तो आप कैसे भी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? आज जो मैंने लगभग भारत के जो लगभग अभी 6 लाख बच्चों तक जो पुस्तकें दिया हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेलमेट की वजह से जान बची है, तो कहीं ना कहीं इस देश में जनता देख रही है, वो जनता ही कहीं ना कहीं अपने माध्यम से जो मैसेज द्वारा उन लोगों तक जरूर मेरी आवाज़ पहुंचाएगी, ताकि जो मेरा अभियान है जो पूरे भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त करने के प्रति, और कहीं ना कहीं इस कार्य में लोगों की मदद जरूर हमें मिलेगी, उसी आशा के साथ मैं आज प्रतिदिन सड़कों पर चलता रहता हूं। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं मुहिम को लेकर? सरकार से ये मांग है कि जो दुर्घटना जो स्पेशली जो है जो दुर्घटना हो रही है जिनके चलान हो रहे हैं उन लोगों को जो हेलमेट चलान जो हुआ है एक हेलमेट दिया जाए और साथ में 5 लाख की बीमा, अगर सरकार मेरी सहायता करे तो मैं 1,000 के अंदर ही एक हेलमेट भी दे सकता हूँ और जिस परिवार में दुर्घटना हो रही है उसको 5 लाख भी जा सकती है और कहीं ना कहीं मेरे कार्य के प्रति भी मजबूती मिलेगी लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेलमेट में राघवेंद्र कुमार हुआ और जो सड़कों पर मैं आए थे जो बगैर पब्लिक जो बिना हेलमेट के सड़कों पर चलती है जिसे मैं हेलमेट दिया करता हूँ पिछले 6 साल से, इसलिए मुझे पूरा भारत हेलमेट मैन के नाम से जानता है। ये हेलमेट देने का विचार कब से मन में आया और क्यों आया? ये जब से मेरे फ्रेंड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी 2014 में, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, तब से ये मैं ये देख रहा हूँ कि जो भारत में प्रति वर्ष जो 1.5 लाख मौत होती है उसमें से 50,000 ऐसे लोगों की मौत होती है जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं, तो उसमें से एक हमारा फ्रेंड भी था जो अपने माँ बाप का इकलौता चिराग था, तो इसलिए मैं भारत के तमाम जो चिराग को बचाने के लिए इसलिए सड़कों पर मैं हेलमेट दिया करता हूँ कि ताकि उस परिवार के अंदर कभी भी मतलब अंधेरा ना जाए, अंधेरा ना हो जैसे आज हमारे फ्रेंड के जो घरों में अंधेरा हुआ है। ये हेलमेट देने के लिए किस प्रक्रिया के तहत आप हेलमेट देते हैं? ये मैं जैसे आज जो मेरे हाथ में ये जो चलान देख रहे हैं जो बनारस के अंदर जो मैं सड़कों पर पिछले एक महीने से दे रहा हूँ, जिस किसी का भी चलान हो गया है और उन्होंने चलान की राशि पेड कर दिया है राजस्व में, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना आधार नंबर लेकर के आए और चलान की पेड की हुई रसीद, ताकि मैं उनको हेलमेट दे रहा हूँ और साथ में 5 लाख की दुर्घटना बीमा भी दे रहा हूँ, ताकि भविष्य में दुर्घटना होने पर उस परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता राशि मिल सके।